नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका इस डिफेंस सेगमेंट में। और इस डिफेंस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं यूके द्वारा प्रपोज्ड सिक्स जनरेशन फाइटर टेम्पेस्ट के बारे में। और इसको ही लेके एक इंटरव्यू में इंडिया बीएई सिस्टम के सीईओ निखिल खन्ना ने यह कन्फर्म किया कि अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और बीएई सिस्टम के दरमियान वार्ता चल रही है टेम्पेस्ट एयरक्राफ्ट को डेवलप करने की और इसमें पार्टिसिपेट करने की। तो एक ऑनलाइन वेबसाइट को दिए इस इंटरव्यू में उन्होंने ये बताया, जुलाई 2018 में टेम्पेस्ट को रिवील किया था फार्मरो एयर शो के दौरान। तो हमारा विजन ये था कि ये एक सिक्स जनरेशन फाइटर होगा, इसमें सिक्स जनरेशन की टेक्नोलॉजी होंगी जैसे कि स्टील्थ, कोऑपरेटिव इंगेजमेंट कैपेबिलिटी, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग एंड स्वार्मिंग टेक्नोलॉजी। तो ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी का एम लेके हमने इस एयरक्राफ्ट को 2018 के फार्मरो एयर शो के दौरान प्रपोज किया था और यही विजन लेके हम चल रहे हैं। और 2025 तक ब्रिटिश मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ मिलकर तकरीबन 2 बिलियन यूरो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और टेम्पेस्ट में पार्टिसिपेशन को लेके हम और भी बहुत देशों की तरफ देख रहे हैं। और जैसा कि टेम्पेस्ट में इंडिया के पार्टिसिपेशन को लेके हमने 2018 के सितंबर में ही इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से वार्ता की थी और उन्होंने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया था। और अभी हाल ही में एक डेलीगेशन टॉक के दौरान, जो कि बीएई सिस्टम के साथ साथ ब्रिटिश मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अभी इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ कर रही है, और ये वार्ता पिछले 2 दिन से चल रही है। और इस वार्ता के परिणाम के रूप में ऐसा सुनने को आ रहा है कि इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इस टेम्पेस्ट एयरक्राफ्ट में इंटरेस्टेड है और पार्टिसिपेट करना चाहती है। और अभी निक खन्ना का कहना यह है कि हम इवेल्युएट कर रहे हैं कि इंडिया किस तरह का पार्टिसिपेशन चाहता है, कितना इन्वॉल्व होना चाहता है इस प्रोजेक्ट में, इंडिया की ज़रूरतें क्या हैं। इन सभी चीज़ों को अभी इवेल्युएट किया जाएगा, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि कितना पार्टिसिपेशन रखना है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, किसी भी सिक्स जनरेशन फाइटर को डेवलप करने के लिए एक अच्छा खासा फाइनेंशियल फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए यूके और इसमें इन्वॉल्व जितनी भी कंपनियां हैं जैसे कि लियोनार्डो, रोल्स रॉयस, बीएई सिस्टम, एमबीडीए, तो ये सारी कंपनियां फॉरेन पार्टनर्स ढूंढ रही हैं कहीं ना कहीं, जिससे कि फाइनेंशियल फंडिंग को मैनेज किया जा सके। और दूसरी तरफ निक खन्ना का कहना यह भी था कि हम इंडिया को एक ग्लोबल एक्सपोर्टर के रूप में देखना चाहते हैं बीएई सिस्टम का, इसलिए मेक इन इंडिया के अंतर्गत बीएई सिस्टम के जो भी कंपोनेंट या फिर जो भी फाइटर जेट बनेंगे उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि मेक इन इंडिया के अंतर्गत इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जाए। सो ये कुछ कहना था निक खन्ना, बीएई सिस्टम सीईओ इंडिया का। अगर आपको इनका ये इंटरव्यू देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो टेम्पेस्ट के अपडेट को लेकर इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई, गिव अस अ लाइक, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब। जय हिंद।